हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉल शुरू। और दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इतनी इंफॉर्मेशन वाली नहीं है, लेकिन आप सभी के दुआओं से, आप सभी के प्रेम से, आप सभी के सपोर्ट और सजेशन के वजह से स्वरूप का आप पैर देख सकते हो, जो कि जो 3-4 दिन पहले जो स्थिति थी, उससे तो कई बेहतर स्थिति में अभी आ गया है। यहाँ पे जो सूजन थी, मोस्टली ज़्यादा यहाँ पे सूजन थी, यहाँ पे ऐसा गोला ही था, वो पूरा कम हो गया है। और अभी भी है सूजन, लेकिन जो मात्रा है उसकी, वो 50% से भी कम हो गई है। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पर इसका श्रेय सबसे पहले तो जाता है सभी अपने चाहने वाले, और ख़ास करके दिनेश जी सर है, अन्य जो भी हमारे कुछ पर्सनल मेरे जो दोस्त थे, उसके बाद में है डॉक्टर साहब, और सभी के सपोर्ट के कारण इसका पैर अभी एक रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छे से अभी पेन बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर वो हमेशा पैर उठा के ही रहता था। तो अभी ठीक है, बस इतना अभी यहाँ पे थोड़ी सी सूजन है, और यहाँ पे तो ये भी जल्दी कवर हो जाएंगी। अभी कल तो मैं सारंगखेड़ा गया था, इसलिए उसको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था, या बर्फ़ का सेक है या अन्य जो भी, तो वो मैंने किया नहीं था, तो अभी करेंगे। और रात को इसको बजरंग लेप से भी मैं बजरंग लेप लगा कर उस पर कॉटन डालकर पट्टी मार देंगे, ताकि उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी जल्दी होती रहेंगी। और बाकी तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अभी ठीक ठाक ही हो गया है। और अगर भगवान ने चाहा और जल्दी ठीक हो गया, तो उसको सारंगखेड़ा लेने जाने की भी मैं बिल्कुल एक मेरी इच्छा है कि लेके जाए, ताकि सभी लोग इसको देखे। हमेशा तो लाइन के ही घोड़े आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने घोड़े अगर है और अश्व प्रेमी, तो बिल्कुल लेके ही जाना चाहिए मेले में, अगर अपना पॉसिबल हो तो। खर्चा लगता है, लेकिन देखते हैं फिर कि क्या होता है क्या नहीं। आइन वक्त कर अगर पैर अच्छा ठीक हो गया, सभी ठीक हो गया, तो ज़रूर लेके जाएंगे। बाकी ग्रूमिंग फिर से अभी स्टार्ट कर दी है घोड़े की, आज पूरी ग्रूमिंग की है, चारों पैर उसको मैंने अच्छे से धुले थे, क्योंकि मुझे फ़र्क जानना था कि प्रॉपर पैर और इस पैर में क्या आते। तो भी अभी देख सकते हो है, अभी सूजन है, पूरा तरफ से तो निकली नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लियर हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि रिकवरी जो है वो अभी अच्छे हो रही है, दवाई वगैरह भी कंटिन्यू चल रही है। तो यही छोटी सी अपडेट देने के लिए आपको मैंने किया था, क्योंकि ये सब आप ही का श्रेय था, आप ही की वजह से घोड़ा अभी रिकवर हो रहा है, आप सभी सब्सक्राइबर के प्रेम से। सो थैंक यू सो मच।